बजाज लॉन्ग लाइफ सीमेंट लिमिटेड वालों बाबा शेख फरीद जी दे आगमन पूर्व दिया आप सब संगता नु लख लख मुबारक। बाबा जी का आशीर्वाद आप सब ते बढ़िया रहे। निम्रता दी पुंज शेख बाबा फरीद जी जिन्हां दी उच्चारण कीती बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज अठवीं चौ वर्णन सांझी वार्ता दा उपदेश दिंदी है। शेख बाबा फरीद जी दे आगमन पूर्व नूं उन्हां दी चरण छू प्रापत नगरी फरीदकोट विखे पूरी श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। इस मेले दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी हाजिरी भरी अते बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सूफी संत बाबा शेख फरीद जी की याद दे विच बने इस टिला बाबा फरीद जी के इतिहास की गल करिए जदों दिल्ली तो पाकपटन जाते हुए बाबा फरीद जी फरीदकोट विखे आए तो उस समय इतों का राजा मोकल सी जिसका नाम मोकल सी सी वह आपके किले की उसारी का काम चलवा रहा सी। उस समय उन्होंने सिपाहियों ने बाबा फरीद जी को बैगार के काम के पकड़ के उन्होंने सिर पर एक टोकरी चकवा दी जो उन्होंने सिर पर सवा हाथ उची चली गई। जो तो सारे ने वेख्या कि बिना हाथ लाए बाबा फरीद जी के सिर पर टोकरी तैर रही है तो उन्होंने जाके जो राजे को दसिया तो राजे ने बाबा फरीद जी तो माफ़ी मंगी और कहा कि तुम बहुत बड़े सूफी संत हो तो हुक्म करो मैं ये भुल किवें बख्शा सकता हाँ। तो बाबा फरीद जी ने कहा कि तुम ये किला एडा वड्डा क्यों बना रहे हो तो उन्होंने दसिया कि पार लुटेरियों आके होकलहर नूं लुट लेंदे हन। बाबा फरीद जी ने कहा कि इसका नाम बदल के फरीदकोट रख दो ता जो ये वसदा रहेगा तो उस समय के राजे ने इसका नाम बाबा फरीद जी के नाम से फरीदकोट रख दिता।
बाबा फरीद जी दे इस मेले ते सारे अपने इलाका निवासियों नूं लख लख बधाई दिंदा ते जिन्ने भी बाहरों आन वाले सारे इस इलाके च इस बाबा फरीद की धरती से आशीर्वाद लैण वास्ते उन्हां नूं मैं जी आयां नूं कहना ते अज दे दिन दिहाड़े ते इस चंगे तरीके नाल एडमिनिस्ट्रेशन वल्लों सारे इंतजाम करन ते उन्हां नूं वधाई भी दिंदा ते सारे लोकां नूं मैं इत्थे अपने कंस्टिट्यूएंसी च आण ते जी आयां नूं अज बाबा फरीद जी दे सारे संसार विच वसदे उन्हां दे नाम लेवा नूं बाबा फरीद जी दे गुणपुर दी लख लख वधाई दिंदा और अज लखां दी तादाद च लोक इहदे च शामिल होण लग पए आ। हिंदुस्तान की सरकार ने इसे नेशनल मेला भी डिक्लेयर कर देता है। श्री दीप मल्होत्रा जी MLA हलका फरीदकोट जी के सहयोग सदका जो बाबा श्री फरीद जी मेला हर साल लगता है यह एक शहर लई बहुत ही खुशियां भरा दिन हुंदा है। इस दिन दूर दराडों लोग मेला देखने आते हैं और शहर में विआह वर्गा माहौल हुंदा है। कबड्डी के टूरनामेंट हुंदे है, हाकी के, क्रिकेट के, हर तरह दीआं गेमां दे नैशनल लेवल के मैच इस मेले के दरम्यान हुंदे है। गोल्ड कप भी हाकी का हुंदा है जो कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने इत्थे हाकी का अस्ट्रा लाया है। एक्टी पहली बारी उस दे उपर हाकी दे मैच होए है अते नौजवानों दे विच बहुत ही ज़्यादा उत्साह सी कि असी फरीदकोट दे विच हाकी की गेम एक अस्ट्रा दे उपर खेड रहे हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे हाय कुछ करिए। मेले की रौनक नू चार चाल लगाउण लई पंजाब दे उग्गे गायक लखविंदर वडाली, रोशन प्रिंस, मिस पूजा आते होरना ने हाजरी भरी। अद्धी राती सुती पई दा खर 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 के मन अद्धी राती सुती पई दा खर 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 के मन जब मंजे दे थल्ले वेखिया बैठा कोई गंजा नी ए गंजा पंजा पाओ साडी दीवाने नी ए गंजा पंजा पाओ साडी दीवाने नी ए गंजा पंजा पाओ साडी दीवाने टूटना को जानी लगे सो प्यारी कबूतरी है चिट्ठी कबूतरी है चिट्ठी तन फुटक लगा में कमाने वाले लोग ने पंजाब दे।
सबको खुशी।